गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस वक्त हमारे साथ है। विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें उनको नेता चुन लिया गया और खास बात है कि विश्वजीत राणे ने उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो रखा था। बात करने के लिए हमारे साथ है सर, आपको बधाई। और जो पिछले कई दिनों से सुनने मिल रहा था कि आप होंगे या विश्वजीत, उन्होंने आपके नाम का प्रस्ताव रखा, इसको आप कैसे देखते? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी में हमेशा के लिए एकमत रहता है, तो इसलिए मैं विश्वजीत का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने उसको अनुमोदन दिया। भारतीय जनता पार्टी यूनाइटली आगे जाएगी गोवा के विकास में, हम सभी एक साथ में मिलकर गोवा का विकास करेंगे। आपसे दूसरा सवाल है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और क्या प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं? माननीय राज्यपाल को अभी हम हमारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का न्योता दे रहे हैं, उन्होंने जब भी देने के बाद ही तुरंत ही हम हमारे डेट और ये फाइनलाइज करने जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार में एमजीपी भी हिस्सा होगी आखिरी समय? डेफिनेटली हमारे तीन इंडिपेंडेंट एमएलए और एमजीपी के दोनों विधायक हमारे साथ में है, 25 एमएलए के साथ में हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रमोद सावंत जो है वो फिर एक बार गोवा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, विधायक दल का नेता चुनने के बाद अब वो सीधे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा जो है पेश करेंगे। सूत्र जो जानकारी दे रहे उसके मुताबिक 23 तारीख को शपथ विधि का समारोह जो है वो गोवा में हो सकता है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज गोवा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।